इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 100 mg कैप्सूल तीव्र दस्त के लक्षणों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में तरल सेवन और आहार उपायों के साथ किया जाना चाहिए। इस दवा का उपयोग तब किया जाता है जब दस्त को नियंत्रित करने के लिए तरल पदार्थ और आहार उपाय पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। 100 mg कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में भोजन के साथ लिया जाता है। पर्याप्त तरल और इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन प्रदान करने के लिए इस दवा को मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान ORS के साथ लेना महत्वपूर्ण है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिति पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आपको यह दवा तब तक लेनी चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर आपको रुकने के लिए न कहे। अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुष्प्रभाव उल्टी और बुखार हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी हैं और आमतौर पर समय के साथ हल हो जाती हैं। यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में चिंतित हैं तो सीधे अपने चिकित्सक से संपर्क करें। बच्चों में इस दवा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए यदि उनके मल में रक्त या मवाद, पुरानी दस्त, एंटीबायोटिक दवाओं के कारण दस्त और गुर्दे या यकृत रोग से पीड़ित हैं। इसका उपयोग 3 महीने से कम उम्र के बच्चों में भी नहीं किया जाता है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।